अच्छा जी, इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनारियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सिनारियो ये है कि हमारे पास तीन टेबल्स हैं, ठीक है, जिनका जो टेबल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। टेबल स्ट्रक्चर से मेरी मुराद ये है कि इनके जो कॉलम्स हैं वो एक जैसे हैं। जैसे पहले कॉलम के अंदर हमारे पास कोड है, दूसरे के अंदर अ प्रोडक्ट है, तो यही सिलसिला दूसरे और तीसरे टेबल के अंदर भी होगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने इन तीनों टेबल को सर्च करना है और हम लोगों ने किसी कोड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट की जो डेटा वो हम लोगों ने निकालनी है। तो इन अवे हम तीनों टेबल को सर्च करेंगे इस कोड के अगेंस्ट और हम यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन निकालने जा रहे हैं। अच्छा, ये काम हम लोग कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि जो वी लुकअप फंक्शन है उसकी मदद से हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। और फिर जो वी लुकअप फंक्शन है वो सिर्फ एक टेबल के लिए, तो मुझे दूसरे टेबल के लिए भी वी लुकअप फंक्शन चाहिए, तीसरे के लिए भी चाहिए, राइट। और साथ ही साथ फिर मुझे ये भी पता है कि जो वैल्यू 8 है वो इस टेबल के अंदर तो एग्जिस्टिंग करती, तो अगर मैं इसको सर्च करूँगा तो ये मुझे एक एरर देगा जो कि होगा नॉट एप्लीकेबल। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इफ एरर और वी लुकअप का कम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाना है। अगर मुझे वी लुकअप फंक्शन को ये वैल्यू यहाँ से ना मिले तो वो इस जगह पे चला जाए और फिर तीसरे केस में इस जगह पे चला जाए, तो यहाँ पर उस वक्त आए जब वो नॉट एप्लीकेबल हो, यहाँ पर उस वक्त जाए जब नॉट एप्लीकेबल हो, राइट। तो ये एक जो लॉजिक है जो कि हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इफ़ एरर, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि हमें अगर कोई एरर आता है तो उसके अगेंस्ट जो भी हम लोगों ने एक्शन लेना है वो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं इफ़ एरर की मदद से, राइट। तो अब जो वी लुकअप फंक्शन है, मैंने यहाँ पर लिखा कि वी लुकअप ये वाली वैल्यू ढूंढनी है, कहाँ से ढूंढनी है, यहाँ से ढूंढनी है, ठीक है, ये पहला कॉलम आ गया। और अगर मुझे वैल्यू मिलती है तो मुझे दूसरे कॉलम से वैल्यू रिट्रीव करनी है और इसको मैं फिक्स जो है एग्जैक्ट मैच के साथ कर रहा हूँ। तो ये तो केस हो गया कि वी लुकअप फंक्शन फॉर फर्स्ट टेबल की वाली वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है तो आंसर दे दे। लेकिन इन केस अगर एरर आता है तो फिर एरर के केस के अंदर क्या करना चाहिए, हम लोगों ने पहले इफ एरर यहाँ पर पहले इस यहाँ पर लगा दिया, तो अगर एरर आता है तो हम फिर यहाँ पर इफ एरर दोबारा लगाते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि अगर इफ एरर आता है तो फिर दोबारा इफ एरर लगाओ और दूसरे क्या करो चेक करो। तो वी लुकअप में भी हम लोग यही काम करें सेकंड फेज के अंदर दूसरे टेबल के लिए। तो वी लुकअप में ये वाली जो वैल्यू है वो सर्च होगी, कहाँ से सर्च होगी, अब वो दूसरे टेबल में से सर्च होगी, ये दूसरा जो टेबल है यहाँ से सर्च होगा, और अगर मिलते ही है तो सेकंड कॉलम से वैल्यू को रिट्रीव करना है, एग्जैक्ट मैच हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जो सर्चिंग कंप्लीट होगी फॉर द सेकंड टेबल। लेकिन अगर इस टेबल के अंदर भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करे, वो तीसरे टेबल को सर्च करे, उसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ एरर का फंक्शन इस्तेमाल किया, फिर हम लोगों ने सेम वे लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल किया, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने सर्च करनी है तीसरे टेबल में से सर्च करनी है अब, और अगर ये वैल्यू से मिल जाती है तो सेकंड कॉलम से वैल्यू मुझे निकाल के दे दे और एग्जैक्ट मैच हम लोग कर रहे हैं, राइट। ये अब हमारा मामला कुछ इस तरीके से हुआ कि ये फंक्शन पहले इवेल्युएट होगा और अगर वैल्यू मिल जाती है तो दैट इज़ फाइन, और अगर ये हमें एरर देता है तो फिर इस इफ एरर की वजह से ये दूसरी साइड पे चला जाएगा जो सेकंड पार्ट है। यहाँ भी हम लोगों ने सेम फंक्शन लिखा है लेकिन बट फॉर सेकंड टेबल। तो इफ एरर वी लुकअप फंक्शन, अगर ये वाली वैल्यू उसको मिल जाती है इस टेबल में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करे, वरना क्या करे, वो तीसरे कॉम्बिनेशन पे पहुंच जाए, ठीक है। अब ये तीसरे कॉम्बिनेशन पे पहुंच गया और अगर मिल जाता है तो ठीक, और अगर नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ पर उसे कह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख दे, नो डेटा लिख दे। तो यहाँ पर नो डेटा लिखा गया और नो डेटा करने के बाद फिर मैंने ये क्या किया, इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये जो इसका हो गया, और गालबन एक मुझे जो है वो और यहाँ पर डालना है, ये इसका हो गया, और इसके बाद मुझे अब क्या करना है, फार्मूले को बंद कर देना, राइट जी। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। फार्मूला कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे
तो अब जब हमने इसको एंटर किया तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, पॉइंटर आ गया। तो जो कोड है वो 8 है, और सेकंड टेबल के अंदर ये यहाँ पर पॉइंटर मौजूद है। फॉर एग्जांपल 4 करता हूँ, तो जैसे मैंने 4 किया तो देखें पहले टेबल से वैल्यू उठा के उसने यहाँ पर दे दी। अगर मैं फॉर एग्जांपल 12 करता हूँ, ठीक है, तो 12 के अगेंस्ट हमारे पास क्या मौजूद है, जेल पेन मौजूद है। और अगर मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू मैं दे रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नो डेटा लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। ये वो फंक्शन है, ये जो कम्बिनेशन है, ये वो स्ट्रेटेजी है, लॉजिक है, जिसकी बुनियाद पर अगर हमें 3 टेबल्स में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम लोग वी लुकअप और इफ एरर फंक्शंस के कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए ये काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ टेबल्स की हद तक लिमिटेड नहीं है। अगर हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, और सिमिलर आपके पास टेबल स्ट्रक्चर है या शीट का स्ट्रक्चर है, तो ये काम आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट बड़ा, लॉजिक को बिल्ड करना है और आपका काम हो जाना है, राइट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ।